हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम आपको ले चलते हैं लोहागढ़, जो बहुत अमेजिंग जगह है। वहाँ हम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ गए, बहुत मज़ा आया। हेलो, हाय। और हमने वहाँ बहुत मज़े किए। देखिए, हम पहुँच रहे हैं और बस बच्चे हिप हिप हुर्रे कर रहे हैं, और जाते हैं हम ट्यूट पर, खाने पर, रसगुल्ले, चाउमीन, और ये सब चीज़ बहुत अमेजिंग डिशेज थी वहाँ पे। बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने करी थोड़ी सी मस्ती। ये देखिए, हाय। और ये देखिए, हम तो बहुत शैतानी करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे शैतानी। बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पर। अपने टीचर्स के साथ थे तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये देखिए, इसमें तो बच्चे फंस जाते थे, और इसमें पैर फंस जाते थे, इसमें उछल उछल के कूदना पड़ता, तो बड़ा मज़ा आता। और हमने करी थोड़ी सी जंपिंग, ये। उसके बाद हम गए पपेट शो देखने। बड़े मज़े से देखा। आजकल ये देखने को मिलता तो है नहीं कहीं, ना गांव में ना यहाँ, मगर यहाँ हमें देखने को मिला। और हम बड़े मज़े से देख रहे थे, बहुत अच्छी स्टोरी भी सुना रहे थे ये लोग, मतलब अच्छे कर रहे थे। यहाँ पे और लोग भी आए हुए थे, बहुत स्कूल के और बच्चे भी आए हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। फिर हमने उसके बाद दिखा सर्कस, जो अंकली रोप पे दिखा रहे हैं। बहुत डरावना था, मगर डर बहुत लग रहा, मज़ा बहुत आया। आगे चल के हमने देखा मैजिक शो, जो कबूतर वाला मैजिक शो नहीं होता था पहले वो। फिर हमने थोड़ी सी तीरंदाजी करी, इससे मज़ेदार था थोड़ा सा। बस ये था कि बच्चे हम लोग बहुत सारे थे, वैसे हमें एक एक बाजी मिल रही थी, मगर किसी का भी नहीं लग रहा था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और फिर हमने बास्केटबॉल वाला भी खेला था इसमें। फिर हमने मतलब वहाँ पे काफ़ी टाइप के झूले और काफ़ी चीज़ें थी, बहुत अच्छा था वैसे। और वहाँ पे खाना पीना भी अपना मतलब सही टाइम से हो रहा था वहाँ पे, खूब अच्छा लगा। वहाँ पे सब चीज़ें मतलब अच्छे से वो कर रखी थी, पूरा ऐसा लग रहा था पूरा गांव बसा रखा है। मतलब जगह जगह हर चीज़ थी, आपको हर जगह मिल रहा था ये सब चीज़ें कि मतलब जैसे वहाँ पे बड़ी सी खाट एक तो, हाँ हाँ बड़ी सी खाट बहुत थी वहाँ पे, बहुत बड़ी, जिसमें मतलब 10-12 लोग बैठ जाते, इतनी बड़ी खाट थी। और क्या कहते हैं, फिर वहाँ पर एक सोले मूवी की जो बाइक थी, जो डबल वाली थी, वो भी थी वहाँ पर। तो काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। पपेट शो जो हमें आज तक अब देखने को नहीं मिलता, पहले तो काफ़ी होता था, मगर अब नहीं देखने को मिलता है, मम्मी पापा बताते हैं। तो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिला, पहली बार देखा हम लोगों ने, और काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर। देखिए, और अंकल जी ढोल बजा बजा के सही मतलब कहानी बताना, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से कर रहे थे। ये हम लोग मस्ती हम लोग कर रहे थे पूरी। ये रोप पर चलना था, ये देखिए हम लोग भी सर्कस दिखा रहे थे, बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो सेशन हुआ हमारा, और फिर तो मस्ती मज़ेदार था वैसे बहुत। वहाँ पे बहुत मज़ा आया। आप जब भी जाएँ टाइम निकाल के जाएँ, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। और हाँ, बहुत सारी राइड भी वहाँ पे मिली, ट्रैक्टर की राइड, और जो क्या कहते बैलगाड़ी, ऊँट की सवारी, हमें काफ़ी चीज़ें मिली वहाँ पर। फिर हमने क्या जाते जाते थोड़ा सा नाश्ता, लंच, और बस ये देखिए बड़ा मज़ेदार है। और हॉन्टेड हाउस भी था वहाँ पर, जिसमें बहुत डरावना सीन था, बहुत डर लग रहा था। खूब मज़े किए वहाँ पर, बैलगाड़ी, ये सब चीज़ बहुत थी। और हाँ, वहाँ पे हुक्के के लिए अलग से जगह छोड़ रखी थी, जैसे देखिए यहाँ बैठे हुए सब लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़ी सा डांस किया, पार्टी की, और भी बच्चे थे स्कूल के, तो सब ने मिलकर वहाँ पे खूब एंजॉय किया गाने। ये देखिए अंकल भी हमारे साथ, सॉरी सर भी हमारे साथ खूब डांस कर रहे हैं। काफ़ी मैम भी खूब एंजॉय कर रही थी, मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, और मतलब बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय करवाया भी। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ जाके। फ्रेंड्स के साथ जाते तो थोड़ा अलग ही लगता है। फिर जाते जाते सोचा थोड़ा सा कुछ हो जाए, फिर सबने फिर से थोड़ी सी वो करी, और मतलब नाश्ता पानी जो भी होता है करके, फिर तो जाने का टाइम हो गया हमारे। हम लोगों ने ये तालाब भी देखा, जिसमें डक्स भी थी, फिश भी थी, ये देखिए। और अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। आपको ये कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में करके बताना, और इंजॉय करना, फुल ऑफ एंजॉय करना, बहुत मजा आएगा जब भी आप जाएंगे। बाय बाय।